सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सर्वप्रथम कांटेक्ट नंबर दे देते हैं आपको, 97 21 41 13 85। ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके अपनी समस्याओं का निदान उनके विषय में जो है डिस्कस कर सकते हैं, आपको अगर कोई समस्या है तो। और आप उत्कृष्ट टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल जो कि TGT, PGT, LT, सुपर टेट, टेट, सी टेट आदि के लिए बेहद महत्वपूर्ण सिलेबसों को उसमें कवर किया गया है, टेक्स्ट बुक का सहारा लिया गया है उस नोट्स को बनाने के लिए, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। आप निश्चित ही सफलता उससे प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारा वादा है आपसे। आप उतना पढ़ लीजिए, आपको कहीं और भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर सुपर टेट, टेट में और सी टेट आदि में, LT में, TGT, PGT में आप सफल होना चाहते हैं तो आप हमारे नोट्स का आश्रय ले सकते हैं और आपको उससे सफलता अवश्य मिलेगी अगर आपने उसको 100% अपने में आत्मसात कर लिया तो। ठीक है ना, आपको फायदा ही फायदा होगा। चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इतना महत्वपूर्ण दिन कि लगभग सभी प्रतियोगी भाई बहनों को इस बात का इंतजार था, इस पल का इंतजार था, इस दिन का इंतजार था कि जो मतलब रिजल्ट आए। तो आज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, कल भी वार्तालाप हुआ था, आज चयन बोर्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने चल रही है। ठीक है, उस मीटिंग में जो मतलब सारी चीज़ों पे, सारी संभावनाओं पे वो जो है डिस्कस किया जाएगा। वैसे आज की डेट में रिजल्ट आने की जो संभावना है वो 40% तक है। ठीक है ना, 40% तक है, 60% जो है वो 28 और 29, ये 2 तारीखों में आने की प्रबल संभावना दिख रही है। तो जो अपडेट मतलब वहाँ से निकलेगी वो अपडेट आपको तत्काल बताई जाएगी, क्योंकि हमारी भी नज़रें हैं चयन बोर्ड की मीटिंग पे। तो आपको जो भी सूचना होगी वो सूचना तत्काल प्रदान की जाएगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बहुत से विद्यार्थी अपने रिजल्ट आदि को लेकर के आशंकित हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने हमने जो मेरिट बताई थी वो बार बार यही चीज़ पूछते हैं कि सर क्या उसमें कुछ रद्दो बदल हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके लिए सामाजिक विज्ञान की मेरिट जो मैंने बताया है वही रहेगी, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होगा, वही मेरिट जाएगी। 90+ के ऊपर वाले विद्यार्थी सभी सेफ हैं, आराम से उनका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उनको, उनके लिए। और आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मेरिट मेरिट अगर आप करते रहेंगे हम आपको जो मतलब अगर कुछ बता देंगे तो आप यही चीज़ प्रश्न करने लगते हो। जैसे कल व्हाट्सएप पे एक लोगों ने मतलब मैसेज किया था कि सर आपने इतना बताया, तो मतलब उनको हर चीज़ मजाक लगती है, कॉमेडी लगता है। कॉमेडी या मजाक नहीं होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि हम, ऐसा तो है नहीं कि सारी विषयों की मेरिट रट के बैठे हैं या सारे वर्गों की रट के बैठे हैं। अब आपने पूछा फट से आपको आंसर दे दिया उसका। हम जो है मेरिट वगैरह जो है सिर्फ एक बार देख करके आपको बताए थे। ठीक है, अब वो चीज़ें जो है वो परिवर्तित हों, रिजल्ट में वो परिणित होती हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट में वो परिणित होती हैं, है ना। आप जो है सफल होते हो तो उससे आपको जितना खुशी होगी, सबसे ज़्यादा खुशी आपको होगी, आपके घर परिवार को होगी, लेकिन थोड़ी बहुत खुशी हमको भी होगी, ज़्यादा नहीं, मतलब 50%, है ना। इतनी खुशी हमको भी होगी कि हाँ हमारे किसी बेरोजगार भाई बहन को नौकरी मिल गई, है ना। आप लोगों की हर समस्याओं का समाधान करने के लिए लगभग लगभग जितनी समस्याएं मुझ तक पहुंचाई जाती हैं उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हम प्रयत्नशील होते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है मतलब, मैं जानता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से जो है मतलब वो सारी चीज़ें देखते हो, और वो लोग इतने कॉन्फिडेंस से मतलब जो है वो करते हैं कि मतलब आप उनकी बातें सुन करके आते हो फिर उसके बाद मेरा दिमाग खराब करते हो, है ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये इसी बात के लिए है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी चीज़ के लिए जो है मतलब परेशान ना हो, और जो चीज़ें होंगी वो बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, और आगामी जो है मतलब समय में आपके साथ और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि
नकारात्मकता के भाव से जो है वो बाहर निकलिए, ठीक है। जो लोग जो है मतलब नकारात्मकता का कंटेंट जो है फैला रहे हैं, नकारात्मकता का कंटेंट जो है आपको दे रहे हैं, उनसे प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि वो भी जानते हैं और जो है मतलब आप भी जानते हो और सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपका एलटी का विज्ञापन, आपका टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन, आपका सुपर टेट का विज्ञापन जो है आएगा। कभी कोई जो है मतलब चुनावी आचार संहिता लगवाने लगता है, तो कभी ये कोई कहता है कि जो है मतलब अगले साल आएगी, दो तीन साल बाद आएगी विज्ञापन। अरे यार हद है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जो है मतलब वो चीज़ें हैं जो जो चीज़ों के लिए सार्थक प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं, बार बार जो है मतलब ज्ञापन दिए जा रहे हैं, बार बार अधिकारी वही चीज़ बोल रहे हैं, वही चीज़ें स्पष्ट कर रहे हैं, फिर भी आप मतलब बोल रहे हो ऐसा ऐसा जो है नकारात्मकता का भाव फैला करके आपको आखिर मिलेगा क्या, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, उन नकारात्मक व्यक्तियों को सुनने से बेहतर है कि उनसे प्रणाम कर लीजिए, बेहतर होगा ये चीज़। क्योंकि जो नकारात्मक बातें करने लगे, कभी आपको जो है कुछ बताएं, कभी कुछ बताएं, कभी कुछ बताएं, कभी कुछ बताएं, हद होती है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। आप भी जानते हैं विज्ञापन आएगा, हम भी जानते हैं विज्ञापन आएगा। जब अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अधिकारी लेवल पर वार्ता हो चुकी है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन देंगे हम, आप फिर भी मतलब जो है नकारात्मक भाव को जो है वो फैला रहे हैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है दुनिया भर का, है ना। इसके लिए परेशान मत होइए। और एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं, टेट में NIOS से DLED करने वाले विद्यार्थी आवेदन कर दें, ठीक है। और जो मतलब उनके आवेदन की तिथि जो है बढ़ा दी गई है, टेट की आवेदन तिथि बढ़ गई है, आप आराम से आवेदन करिए। NIOS से DLED करने वाले विद्यार्थी वो टेट में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हाँ एक चीज़ और है कि जो मतलब विद्यार्थी BPED CPED वाले हैं, उनके लिए जो है सरकार की तरफ से ये स्पष्ट जो है मतलब आदेश है कि उनको प्री प्राइमरी लेवल पे मौका दिया जाएगा। तो मतलब आप टेट में जो है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है प्री प्राइमरी स्तर का एक अलग से मतलब जो है वो बनाया जा रहा है। जब प्री प्राइमरी स्तर की का टेट जो है वो नेक्स्ट ईयर होगा, तो उसमें आपको सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। उसमें भी पर्याप्त वैकेंसियां हैं, उसमें भी पर्याप्त अवसर होंगे आपके लिए, सेम वही चीज़ें होंगी जो प्राथमिक स्तर पर होती हैं। तो आप इसके लिए परेशान ना होइए। आपने जैसे इतना दिन तक इंतज़ार किया, इतने वर्षों तक इंतज़ार किया, बस थोड़ा सा इंतज़ार और आपके लिए है। प्राविधिक कला को LT ग्रेड में शामिल करने के लिए बहुत विद्यार्थी मतलब सवाल पूछ रहे थे कि सर क्या हुआ, क्या मैटर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्राविधिक कला को जो है ना तो उससे बैर है लोक सेवा आयोग को, ना उनके नियमावली में ऐसा कुछ है। शिक्षा निदेशालय से आपका मैटर सॉर्ट आउट होकर के UP बोर्ड के पास पहुंच चुका है और उम्मीद की जा सकती है कि दीपावली तक या दीपावली के बाद तक ये मैटर आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे ही LT ग्रेड के कला के विद्यार्थियों को नियुक्ति मिलेगी, वो सारी चीज़ें वो डिक्लेयर हो जाएंगी, ठीक है ना। आप इसके लिए परेशान मत होइए। हिंदी की एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं कि मतलब सर हिंदी की एलिजिबिलिटी क्या LT ग्रेड में रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदी की जो अर्हता रहेगी आपकी, वो आपका इंटर और ग्रेजुएशन, मतलब ये संस्कृत होना अनिवार्य है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन में। और जो है आपका जो है मतलब इंटर लेवल पे संस्कृत होना अनिवार्य है, तभी आप हिंदी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बिना संस्कृत के आप हिंदी में अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये नियम है, ठीक है ना। तो LT ग्रेड में भी यही नियम रहेगा, आपको यह मैं बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं सर एक कैरेक्टर लगेगा कि दुई। अरे यार हद है, चरित्र एक ही बार तो प्रमाणित होगा कि 25 बार प्रमाणित होगा। जो संस्थान आपको जान रहा है, जो संस्थान में आपने एजुकेशन लिया है, डिग्री ली है, वो संस्थान तो उसी टाइम तक आपको जानेगा ना, उसी टाइम का तो चरित्र आपको सत्यापित करके देगा। तो 10 साल का पुराना है, 15 साल का पुराना है, आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए बिल्कुल भी। 10-15 साल पहले आपने छोड़ दिया था जो है मतलब पढ़ाई आपने कंप्लीट कर ली थी, तो क्या करेंगे, फिर से जाएंगे बनवाएंगे, तो इस डेट का बना के देगा आपको, इस डेट का नहीं बना के देगा। जब आप अपनी मार्कशीट फोटो कापी लगाएंगे ना, तो उसी डेट पर आपको सर्टिफाई करेगा आपको, ठीक है।
ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपने 2009 में कंप्लीट कर लिया था कोर्स और संस्थान आपने छोड़ दिया था, तो 2009 का ही आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर आपने उसी समय का बनवा के रखा हुआ है पहले से, तो आपको नया बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जूनियर लेवल पे भी जो है मतलब भर्ती के लिए तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। जूनियर लेवल पे भी आपको जो है मतलब भर्ती अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी। भाषा शिक्षकों की ये भर्ती है, इसमें गणित विज्ञान वाले विद्यार्थी भी जो है मतलब मांग कर रहे हैं कि हमको भी शामिल किया जाए। लेकिन भाषा शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान है, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, ठीक है ना, ये सारे पद बहुत ज़्यादा खाली हैं उसमें। तो इन सारे पदों के लिए जो है मतलब कृषि है, ये सारे पदों के लिए जो है मतलब विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त होने चल रहा है। आपके सुपर टेट मतलब दो लेवल पे होंगे, एक सुपर टेट आपका प्राइमरी लेवल का होगा और एक सुपर टेट आपका वो जूनियर लेवल का होगा। तो ये आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसका लाभ उठाइए, तत्काल तैयारियों में लग जाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सुपर टेट में आप जैसा कि जानते हैं कि 14 सब्जेक्ट होते हैं, 14 विषय। इन 14 विषयों की तैयारी करने के लिए आपके पास पूरा नवंबर है और आधा दिसंबर है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, मान लीजिए पूरा दिसंबर है, जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा, है ना। तो 14 विषयों को पढ़ने के लिए आपके पास 2 महीने का वक्त है। 1 महीने में 7 विषय पढ़ लो, 1 महीने में 7 विषय पढ़ लो, ठीक है। और 14 विषयों के लिए जो है एस टेट के लिए बहुत ही उत्कृष्ट जो है मैटर हमारे पास उपलब्ध है, बहुत ही उत्कृष्ट मैटर। आप उतना पढ़ लो बहुत है, आराम से 120+ करके आ जाओगे, ये गारंटी है हमारी, ठीक है। क्योंकि सुपर टेट का जो मैटर तैयार किया गया है ना, वो एकदम रामबाण है, ये जान लीजिए, गजब का मैटर है। आप खुद ही जब उसको लेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो खुद ही आपको लग जाएगा कि हाँ, इससे बेहतर मैटर कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उसको जो है हमसे डिस्कस कर सकते हैं, उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप 97 41 13 85 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिए, क्योंकि विद्यालय टाइम में कोई कॉल करता है तो बहुत मतलब जो है बुरा लगता है। विद्यालय टाइम में आप कॉल मत करिए, 8 बजे से लेकर के जो है मतलब 2 बजे तक बहुत व्यस्तता रहती है। 2 बजे आने के बाद 2:30 3 बजे तक भोजन होता है, उसके बाद फिर पढ़ाने की सिलसिला जारी होता है। तो आप जो है मतलब शाम के वक्त 7:30 8 बजे बहुत ज़रूरी होने पे ही आप कॉल कर सकते हैं। मेरिट आदि को डिस्कस करने के लिए फ़ोन मत करिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। मेरिट वेरिट जो आनी है अब जो है मतलब वो कन्फर्म हो जाएगा, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, है ना। तो मेरिट वेरिट की चर्चा छोड़ दीजिए, रिजल्ट आपका जो है मतलब आज आएगा कि नहीं आएगा, क्या चयन बोर्ड में मीटिंग के दौरान क्या फैसले लिए गए, वो सारी चीज़ों की अपडेट हम आपको तत्काल प्रदान करेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने चल रही है, आपके इंतजार की सबसे महत्वपूर्ण बैठक है आज चयन बोर्ड में। तो जो चीज़ें अस्पष्ट होंगी वो तत्काल आपको बताई जाएंगी, फटाक से नियुक्त चटाक से आपके पास। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए, आपकी इच्छा है शेयर करिए तो बहुत बेहतर है, नहीं भी करेंगे तो भी बेहतर है ना। दोनों चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा पे है। आप उसको जो है मतलब अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद किस तरीके से हमें प्रदान करते हैं ये बहुत मायने रखता है, लेकिन आपका जो सहयोग है, आपका जो स्नेह है, आपका जो आशीर्वाद है, वो हम पे यूं ही बना रहे, इसके लिए हम आपसे बारंबार निवेदन करते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं। आपने हमारा बहुत सहयोग किया है, आपने हमें बहुत स्नेह दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। इतने कम समय में भी मतलब आप लोगों के साथ लगातार हम जुड़ते चले जा रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि आपका भरोसा हम पे लगातार बढ़ा है। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, बारंबार प्रणाम आपको। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, जो अपडेट निकलेगी तत्काल आपको दिया जाएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।